श्री महामति कहे ए साथ जी ए बीतक ठठे की जान अब याद करो नली को आगे कहूं पहचान आगे कहूं पहचान श्री जी साहिब जी चले ठठे से अच्छे धाम धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से नलिये के बीतक का वर्णन करवा रहे। आपने कल सुना किस तरह से ठट्ठे नगर में जब श्री जी आवासी बंदर मस्कत बंदर से लौटे क्या क्या लीला हुई, कैसे बिहारी जी को पत्र लिखा था। पहले तो बिहारी जी महाराज ने मना ही कर दिया था कि मेरे पास समय नहीं है और मैं कहीं बाहर नहीं आ जा सकता। श्री जी ने उसके पश्चात पादी लिखवाई विश्वनाथ जी को पठवाया कि धाम धनी मैं मस्कत बंदर गया, आवासी बंदर गया, दीप बंदर में और जहां जहां गया सुंदर साथ ने बहुत भेंट दिए, सोना चांदी जो भी है, वस्त्र आभूषण सब कुछ है, धन है, वो तो मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। जब ये पत्र मिला बिहारी जी महाराज कहते हैं कि मैं अवश्य आ रहा हूं, तुम चिंता न करो। अध्यात्म यदि अर्थ का दास बन जाए तो पतन शुरू हो जाता है। मनुष्य को कभी भी अर्थ का दास नहीं होना चाहिए, हाँ अर्थ को दास बनाए रखना चाहिए, मन को अधीन किए रहिए, मन के अधीन न होइए। उसी तरह से धन को अधीन किए रहिए, धन के अधीन न होइए। जब मनुष्य धन को धर्म से ऊपर मान लेता है तो वो अंधकार में भटकने लगता है। अध्यात्म तो सारे द्वंद्वों से परे ले जाने वाला मार्ग है। अध्यात्म का अर्थ ही होता है जिसमें आत्म तत्व के प्रति गमन किया जाए। हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसमें धन रोड़ा यदि बनता है तो अध्यात्म नहीं है। यही देखा जाता है बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में या बड़े बड़े मंदिरों में जो जितना सोना चांदी चढ़ा देता है उसकी कितनी महिमा गाई जाती है। और वैसे भी जो धर्म के अग्रगण्य है, जिनके पास जितना ही धन होता है, शानदार आश्रम हो, अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, उसको उतना ही बड़ा महाराज माना जाता है, ज्ञानी तपस्वी माना जाता है। आज महत्ता का मूल्यांकन ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य शील संतोष से नहीं होता, साधना के स्तर पर नहीं होता। यह देखा जाता है अमुक सन्यासी के पास कितनी संपदा है। संपदा जोड़ने का कार्य तो गृहस्थ का है। संन्यास का तात्पर्य क्या है, काम्यानाम कर्मणाम न्यास इत संन्यास कवयो विदुः। काम कर्मों का प्रत्याग ही संन्यास है।
सम्यक नित्मात यत्वा सम्यक नसंति दुखान कर्मानि येन स संन्यासो उच्यते स प्रशस्तो विदिते यस्य स संन्यासी। संन्यास का तात्पर्य ये होता है कि जिससे लौकिक सारी कामनाओं का नाश हो जाए, इसलिए गृहस्थ जीवन से या ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास में प्रवेश करने वाला व्यक्ति अपने पुराने नाम को बदल देता है। जैसे विवेकानंद का पहले का नाम क्या था? नरेंद्र। सन्यासी बने तो बन गए विवेकानंद। दयानंद का गृहस्थ जीवन का नाम है बाल्यावस्था का मूल शंकर। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किए तो उनका नाम हो गया शुद्ध चैतन्य, और जब सन्यास की दीक्षा लिए तो उनका नाम हो गया दयानंद। और जब सन्यास की दीक्षा दी जाती है तो ये जो पवित्र भी हटा दिया जाता है, सिर के बाल मुड़वा दिए जाते हैं, शिखा सूत्र कुछ नहीं रखा जाता। जिस शिखा सूत्र को ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ में अनिवार्य माना जाता है, उस शिखा सूत्र को भी हटा दिया जाता है ताकि आप अपने पुराने घर को भुला दिए। और यदि वही सन्यासी यदि अपना जन्मदिन मनाने लगे तो क्या होता है? ये तो भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हो जाता है। भारतीय संस्कृति तो कहती है जीवन सक्षम अपड़ गताम अध्यात्मवादी राम भारतीय महर्षि राम सोचिन चरित लेखन पद्धति प्राचीन कालता एवं अस्ति। जीवन के सुख को न गिनने वाले भारतीय महर्षियों ने अपने जीवन की कोई गाथा ही नहीं लिखी, अपना कोई परिचय नहीं दिया कि इस मिट्टी के पुतले का क्या परिचय देना। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि अधिकतर पंथों में जो बड़े बड़े गुरुजन कहलाते हैं वो भी अपना जन्मदिन मनाते हैं। भारतीय संस्कृत में जन्मदिन का वैसे कोई महत्व नहीं है। यदि सन्यासियों का जन्मदिन मनाने लग जाए और आशीर्वाद कौन देते हैं? गृहस्थी। सब उल्टी गंगा बह रही है। जब आपने घर द्वार छोड़ा तो फिर किसका जन्मदिन मना रहे हैं? जब आप आध्यात्म के मार्ग पर चले गए, दूसरों को उपदेश देने लगे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का उद्घोष करने लगे, तो इस मिट्टी के पुतले का जन्मदिन क्यों? आपका कब जन्म हुआ? शरीर पैदा हुआ, शरीर मर जाएगा, फिर इसका जन्मदिन मनाने की परंपरा तो पाश्चात्य है। भारतीय संस्कृति में जन्मदिन की कोई महत्ता नहीं। आज तक इतिहास में कोई साक्षी नहीं मिलती कि किसी ऋषि मुनि ने, गौतम, कपिल, कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, दयानंद, विवेकानंद ने उनके अपने तन के रहते रहते कभी जन्मदिन मनाया हो। उनके देहावसान के पश्चात उनके अनुयायियों ने उनकी स्मृति में भले ही मनाना शुरू कर दिया हो, और वो भी दयानंद की जन्म जयंती कहीं नहीं मनाई जाती। बोधोत्सव मनाया जाता है कि कब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी की जन्म जयंती नहीं मनाई जाती। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होता है वो दिन पर सारा बौद्ध समाज नतमस्तक होता है। अब श्री जी नलिया पहुंचते हैं। नलिया में जैसे ही पहुंचते हैं धारा भाई आकर के मिलते हैं। धारा भाई अपनी व्यथा चरणों में गिरकर श्री जी को कहने लगते हैं कि धाम देने, मैं खंबालिया का रहने वाला था, सूरजी भाई मस्कत बंदर से आए थे और सबने मुझसे आग्रह किया कि मैं पानी चर्चा सुनाऊं, राज्य की कृपा बरसने लगी और आवेश आने लगा मेरे ऊपर। सुंदर साथ को जब मैं चर्चा सुनाता था तो राज्य के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे थे। अब जब इस तरह की लीला होने लगी तो सुंदर साथ ने मुझको गादी पर बिठाया, बहुत आदर सत्कार करने लगे। श्री जी कहते कि तो बहुत अच्छी बात है, राज्य की कृपा किसी पर भी हो सकती है और राज्य किसी भी तन से अपनी जागनी कार्य करवा सकते हैं। कहते हैं धारा भाई, श्री जी बात यहां तक ही नहीं, ये बात बिहारी जी को पता लग जाती है। बिहारी जी ने सूरजी भाई को पत्र लिखा और पहले विचार विमर्श किया, अपने भांजे जो उनका नागजी भाई था कि क्या किया जाए। इस तरह से धारा भाई यदि को गादी पर बिछा दिया जाए और सब लोग मत्था टेकने लगे तो ये तो संप्रदाय किसका हो जाएगा? सूत्रों का। वो गोला जाति के थे धारा भाई। धर्म में जाति परंपरा क्या है? अज्ञानता का मूलक है। जाति कहां से पैदा होती है? कर्म से। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते। द्विज किसको कहते हैं? जिसका दोबारा जन्म हो चुका है। शूद्र किसको कहते हैं?
जिसमें ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, विवेक नहीं है, जो अज्ञानी पुरुष है वो शुद्ध कहलाता है। और यदि ब्राह्मण के घर उत्पन्न होकर किसी का गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण के अनुकूल नहीं हुआ तो ब्राह्मण नहीं कहला सकता। जब इसे कोई ब्राह्मण के घर पैदा हो जाए, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, दुर्व्यसनों का शिकार हो जाए तो उसको ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है। वेद का एक मंत्र है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्य कृता पुरु तदस्यस्य वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत्, विराट पुरुष का मुख क्या कहा गया? ब्राह्मण। इसको मुख को ब्राह्मण कहने का भाव क्या है कि इसमें ज्ञान है। जिस समाज के जिस वर्ग में सबसे अधिक ज्ञान हो, जिस मानव में सबसे अधिक ज्ञान हो, उसको ब्राह्मण कहलाने का अधिकार है। भुजाओं में क्या है? शक्ति है। जिसमें सत्ता भाव हो, जो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी हो, प्रशासन चलाने की क्षमता रखता हो, बाहुए बलम, भुजाओं में शक्ति है, जो शक्ति के साथ युक्त हो उसको क्षत्रिय कहा जाता है। उरु तदस्य वैश्य, और आप देखते हैं जो अर्थोपार्जन करे, कृषि और व्यापार करने वाला व्यक्ति वैश्य कहलाएगा, चाहे किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। और जिसमें प्रशासन करने की क्षमता ना हो, बौद्धिक ज्ञान भी ना हो और कृषि और व्यापार भी करने की सामर्थ्य ना हो, केवल सेवा कार्य करने की क्षमता रखता हो, उसको शूद्र कहा जाता है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि शूद्र को तिरस्कृत कीजिए। पद्भ्याम शूद्रो अजायत, किसी का पैर काट दीजिए तो क्या होगा? ब्राह्मण देवता वही रहेंगे, क्षत्रिय महाराज वही रहेंगे, वैश्य जी वही रहेंगे। पैर ही तो आधार है, पैर के तो कोई चल ही बिना चल ही नहीं सकता। जब से ये भेदभाव की लकीरें खींची समाज में कि ये शूद्र है इसका तिरस्कार करो, ये स्त्री है इसको मंदिर में न घुसने दो, तब से हिंदू समाज का पतन हो गया। प्राचीन काल से मान्यता चली आ रही है, स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दोनों पहिए हैं, और बिना पत्नी के कोई भी राजा, कोई भी व्यक्ति अपना कोई क्रियाकांड पूरा नहीं करा सकता था। कि वदंती ऐसी कही जाती है कि जब पूर्व माता गया सेतुबंध रामेश्वर, उस समय रावण सीता को सामने लेकर आया, क्योंकि बिना सीता के राम वहां कुछ कर ही नहीं सकते थे, पूजन कर ही नहीं सकते थे। कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के यजमान चाहे कि पूरा कर ले, कभी संभव नहीं होगा। जब मध्यकाल में शिक्षा का विकास रुक गया तो जिन कर्मकांडे ब्राह्मणों ने कभी वेद पढ़ा नहीं, कुछ मंत्र रट लिए थे पूजा पाठ कराने के लिए, यज्ञ कराने के लिए, उन्होंने नियम बना दिया कि यदि शूद्र के कान में वेद का एक भी अक्षर पड़ जाए तो उसमें सीसा पिघला कर डाल दो, और यदि स्त्री वेद का उच्चारण कर लेती है तो उसकी जीवा काट लो। इतने कठोर नियम बनाए गए। पूछा जाए कि जब राम वन जाने लगे थे तो उसमें कौशल्या जी हवन कर रही थी, बिना वेद पढ़े क्या कौशल्या जी हवन कर सकती है? जब हनुमान सीता की खोज में गए तो सीता जी उस समय संध्या कर रही थी, बिना वेद पढ़े क्या सीता जी संध्या कर सकती थी? अपाला घोषा गार्गी, कितनी बड़ी बड़ी वेद मंत्रों की दृष्टा ऋषि पत्नियां हुई है, कितनी नारियां हुई है जिन्होंने समाधि अवस्था में वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया। गार्गी की विद्वता के सामने या ज्वलक भी नतमस्तक हो गए थे। गार्गी विद्वत की इतनी प्रकांड विदुषी थी, और यदि स्त्रियों को शिक्षा नहीं मिलती तो या ज्वलक जैसे शास्त्रार्थ मारती, पूरे भारत में या ज्वलक के स्तर का कोई भी विद्वान नहीं था, और उसको भी हराने वाली कौन थी? गार्गी जैसी विदुषी। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि धर्म के नाम पर स्त्री को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, और उसको घर में केवल चूल्हा चक्की तक सीमित कर दिया गया। ये धर्म के नाम पर अत्याचार हुआ। जब समाज में शिक्षा नहीं रहती है तो अत्याचारी लोग धर्म के पर्दे में ऐसे ही मनमाना अत्याचार करने लगते हैं। पहले तो शूद्र और स्त्री को रोका, और रोकने के लिए सोचा कि यदि हम मंत्र कहते हैं, अभी समाज में बहुत भ्रांति चल रही है कि मंत्र को कान में फूकना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मंत्र की शक्ति चली जाती है।
पूछा जाए किस ग्रंथ में लिखा है कि मंत्र को बोल देने से मंत्र की शक्ति चली जाती है। जो तांत्रिक प्रक्रिया के मंत्र हैं उनके ये सब विधान होते हैं, किसी को कहना नहीं, किसी को ये नहीं कहना। हमारे समाज में नहीं, पूरे भारत के अधिकतर पंथों में ये अंधविश्वास घर कर गया है कि यदि गुरु मंत्र तुमने कह दिया तो उस मंत्र की शक्ति चली जाएगी। गुरु मंत्र तो गुरु मंत्र, राधा स्वामी मंत्र मत में तो कोई मंत्र दिया नहीं जाता, पांच शब्दों का बोध कराया जाता है। वो पांच शब्द क्या है? निरंजन, ओम, सोम, शक्ति और रय। मैंने उनके ग्रंथ में पढ़ा, एक सत्संगी ने लिखा था कि मेरी माता जी बिस्तरे पर हैं, यानी मृत्यु के नजदीक हैं, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि व्यास जी आ सके, क्या मैं उनके कान में जो नामदान मैंने लिया है पांच शब्दों को मैं सुना दूं? उत्तर आया था कि नहीं, आपको सुनाने का अधिकार नहीं है। प्रश्न ये होता है कि यदि कोई मरणासन्न हो और वो व्यास न जा सके तो क्या उन पांच शब्दों को सुनने का अधिकार नहीं रह सकता? ये तो गुरुडम है। गुरु का अर्थ होता है अंधेरे से उजाले में ले जाने वाला, लेकिन ये कह देना कि नहीं कोई व्यक्ति इस ज्ञान को दे ही नहीं सकता, यह प्रत्यक्ष धर्म के नाम पर होने वाला अत्याचार है। इन्होंने सोचा कि यदि हम भरी सभा के बीच में मंत्र कह देंगे तो शूद्र भी सुन लेगा, स्त्री भी सुन लेगी, और यदि सब लोग सुन लिया करेंगे तो हम दीक्षा कैसे देंगे? दीक्षा का अर्थ मैंने पहले ही कहा है, व्रतेन दीक्षाम अपनोत, व्रत से दीक्षा को प्राप्त होता है। जो हम शुभ कार्यों को छोड़ने, शुभ कार्यों को करने और अशुभ कार्यों को छोड़ने का व्रत यानी दृढ़ प्रतिज्ञा धारण करते हैं उसको दीक्षा कहते हैं। ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य की दीक्षा देते समय हमें क्या क्या करना है यह आचार्य बताता है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करते समय हमें क्या क्या करना है यह पुरोहित बताता है, और गृहस्थ से वानप्रस्थी बनते समय और वानप्रस्थ से संन्यास की दीक्षा लेते समय क्या क्या करना है यह संन्यास की दीक्षा देने वाला दीक्षित व्यक्ति को उपदेश देता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, इसको कहते हैं दीक्षा। दीक्षा का तात्पर्य नहीं कि गले में माला डाल देना या कुछ और क्रियाकांड करना, वास्तविक सत्य का तो लोप हो गया और यही अंध परंपरा हो गई कि कान में फूंक मारो। कान में फूंक मारने से कान में कुछ धूल जमी होगी वो तो समाप्त हो सकती है, लेकिन चार वेद, चार उपवेद, छह अंग, छह उपांग कहीं नहीं लिखा है कि कान में फूंक मारी जाए, किसी भी कर्मकांड में नहीं। हाँ, जब बच्चे का एक संस्कार होता है छोटी अवस्था में, सोने की सलाका से जब उस पर शहद और मधु की विषम मात्रा मिलाकर जीव पर लिखा जाता है, कान में जीव पर ओम लिखा जाता है और कान में फूंक मारी जाती है, फूंक नहीं, कहा जाता है धीरे से कि वेदो असी, हे बालक तू ज्ञान का स्वरूप है, तू ज्ञान को ग्रहण करने वाला बल, ये संस्कार में आया है, लेकिन कहीं नहीं लिखा है कि जब किसी को धर्म की दीक्षा दी जाए तो उसके कान में फूंक मारी जाए। ये अंध परंपरा है, केवल शूद्र और नारी को ज्ञान से भक्ति से रहित करने के लिए। यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में कहा गया है, यथा इमाम वाचम कल्याणी आपदाम जनेभ्य ब्रह्म राजानाभ्याम सूत्राय च आर्याय च स्वाय च चरणाय च। मैंने इस वेद वाणी को ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, स्त्री के लिए, सबके लिए किया है। चारों वेदों को पढ़ने का अधिकार सारी मानव मात्र को है, किसी वर्ग विशेष के अधीन नहीं है। आज तक गीता प्रेस इस अंधविश्वास से उबर नहीं पाया। गीता प्रेस में मोटी मोटी किताबें, किस्सा कहानियों की, गपड़ों की छप जाएंगी, लेकिन आज तक गीता प्रेस ने वेद का प्रकाशन इसलिए नहीं किया कि इसे तो सूत्र भी पढ़ने के, स्त्रियां भी पढ़ने की। यह अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। अब एक धारावाहिक जिसके अंदर श्रद्धा है, अक्षरातीत की मेहर बरस रही है, उसने चर्चा सुना दी तो कितना बड़ा उसको दंड दिया जा रहा है, इसलिए कि वो केवल शूद्र है। अक्षरातीत ने तो नहीं देखा कि वो शूद्र है, अक्षरातीत तो उसके अंदर बैठी हुई आत्मा को देख रहे हैं, और गातिपति महाराज ये देख रहे हैं कि वो शूद्र है, उसको समाज से बहिष्कृत किया जाए। अब वो
धारा भाई अपनी सारी विधा कहते हैं कि धाम तेरी। सुरजी भाई आए मस्कत बंदर से और उन्होंने ये चर्चा का आयोजन रखा था। जब मेरे चर्चा करने की बात बिहारजी महाराज तक पहुंच गए तो मेरे पास चिट्ठी भिजवाई गई और सुरजी भाई को बुलवाया। बिहारजी ने सारी बात पूछी क्या क्या होता है। सुरजी भाई ने बोले पर मैं सब कुछ कह दिया कि धामधनी महाराज वहां तो साक्षात राज्य का दर्शन होता है और जब धारा भाई चर्चा करते हैं तो आवेश आने लगता है सब राज्य का। ये सब सुनते रहे बिहारी जी महाराज और कहने लगे कि तुम्हारे अंदर कलयुग ने प्रवेश कर लिया है, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। मैं क्या हूं? सूर्जी भाई कहते हैं कि आप धाम के धनी, जब मेरा आवेश धारा भाई में जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। तुम लोगों ने एक शूद्र को गद्दी पर बिठा दिया, तुम परम धाम जाना चाहते हो कि नहीं? कौन कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा? उस समय वाणी थी नहीं, सुंदर साथ आश्रित था गद्दी पर। अपनी अंतर्धान लीला के पश्चात श्री जी के आदेश से वाणी पधराई गई सिंहासन पर। वाणी का कथन अंतिम सत्य है, लेकिन आज वाणी के कथनों की अवहेलना करके समाज किस पर चल रहा है? व्यक्ति विशेष के पीछे, स्थान विशेष के पीछे। हम अमुक स्थान से जुड़े हैं, हम अमुक महाराज से जुड़े हैं, आच्छादित वाणी में क्या कह रहे हैं ये किसी को अंगीकार बाद में है, पहले जिससे जुड़ा है उसको मानना है। अब बिहारी जी कहते हैं कि देखो सूर्जी भाई, या तो तुम्हें परिवार समेत धाराभाई को बाहर निकालना होगा समाज से, या तुम्हें परमधाम छोड़ना होगा। तुमको 12,000 की जमात से मैं बाहर निकाल दूंगा, न परमधाम भी नहीं ले चलूंगा। डर के मारे सूर्जी भाई कहते हैं कि धाम धनी, आप जो कहिए हम करने को तैयार हैं, लेकिन मुझे 12,000 की जमात से ना निकाला जाए। यानी किसको ले चलना है, किसको नहीं ले चलना है, इसका अधिकार किसको मिल गया? बिहारी जी महाराज को, क्योंकि वो गद्दी पर बैठे। सूर्जी भाई आते हैं और धारा भाई को कहते हैं कि धारा भाई, तुम्हें पूरे समाज से बाहर निकाला जा रहा है, तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, जो भी परिवार के सदस्य हैं सबको इस गांव से बहिष्कृत किया जा रहा है। उस युग में कानून का कोई जमाना नहीं था, जो गांव का चौधरी कर देता था वही होता था। अब धारा ने रो रो करके प्रार्थना की, सुरजी भाई मैंने क्या गुनाह किया था? मैंने तो नहीं कहा था कि आप लोग हमें गद्दी पर बैठाइए। आप लोगों को जो अनुभव हुआ, आपने अपनी श्रद्धा से गद्दी पर बैठाया था, राज्य का आवेश आया, तो मैंने तो नहीं कहा कि मेरे ऊपर राज्य का आवेश आता है। श्रद्धा आप लोगों में राज्य ने पैदा की और आप लोग मेरा सम्मान करते थे, मैंने तो नहीं कहा था कि मेरा सम्मान कीजिए। सूर्जी भाई कहते हैं कि भाई तारा भाई, मैं जानता हूं कि तू सच पर है, लेकिन बिहारी जी महाराज का ऐसा ही आदेश है, यदि मैं तुमको नहीं निकालूंगा तो बिहारी जी महाराज उनको परम धाम से निकाल दे। इसलिए यदि तुम्हें सुंदर साथ के बीच में रहना है तो जाकर बिहारी जी महाराज से क्षमा मांगो, वो यदि कृपा कर देंगे तो मुझे रखने में कोई भी आपत्ति नहीं। अब बिहारी जी के पास जाते हैं धारा भाई, रो रो करके प्रार्थना करते हैं, थोड़े समय के लिए नहीं, एक वर्ष तक प्रार्थना करते रहते हैं। जब बिहारी जी महाराज के पास जाते हैं, बिहारी जी अनसुनी कर देते हैं। बिहारी जी कह देते हैं कि धारा भाई, तुम स्वयं राज्य बनने लगे गद्दी पर बैठकर, कुल की दृष्टि से तुम ही यदि गद्दी पर बैठ जाओगे तो ये तो पूरा पंथ ही गोलों का हो जाएगा, यानी सूत्रों का पंथ हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं करूंगा। धारा भाई कितनी भी प्रार्थना करते हैं कि मेरी पत्नी ने क्या गुनाह किया है, मेरी बहन ने क्या गुनाह किया है, आखिर मैं अपनी पत्नी को, बहन को ले लेकर के मैं किस किस गांव में भटका फिरूं? लेकिन बिहारी जी के सिर पर जून नहीं रहने वाली थी। समाज में यहीं से भटकाव शुरू होता है। जब सत्ता का केंद्रीकरण ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जाता है जिसको अध्यात्म की प्राथमिक कक्षा भी पता नहीं होती। बिहारी जी महाराज को धर्म का कोई बोध नहीं,
आत्मा परमात्मा के स्वरूप का कोई बोध नहीं। पिता के पुत्र होने के कारण, सतगुरु देवचंद जी के पुत्र होने के कारण गद्दी पर बैठ गए हैं और केवल एक ही चीज सीख लिया है, बहिष्कृत करते रहना। पहली बार जो उन्होंने कृपा की थी, जिसके कारण फूल भाई को अपना तन छोड़ना पड़ा था, फिर ये धारा भाई का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई भी चर्चा न सुनाने पाए। धारा भाई रो रो कर कहते हैं, श्री जी से कि धाम धनी, एक वर्ष हो गए मुझे चक्कर काटते काटते बिहारी जी महाराज के चरणों में जाते जाते, अब मैं आपके चरणों में आया हूं और आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। चाहे आप जो करना हो कीजिए, मुझे विश्वास है कि आपके सिवा हमें शरण देने वाला संसार में कोई भी नहीं है। श्री जी कहते हैं कि धारा भाई तुम चिंता ना करो, बिहारी जी महाराज आने वाले हैं और मैं उनसे बात करने वाला हूं। जब उधर बिहारी जी को पत्र मिलता है, बिहारी जी महाराज जल देते हैं। जो नलिये का कामदार था वो भी लोहाड़ा जाति का था, कामदार यानी चौधरी, जो उस पूरे आजकल जैसे किसी कस्बे का चेयरमैन समझ लीजिए, वैसे उस समय कामदार शब्द कहा जाता था। कामदार का अर्थ होता है, मैं अंग्रेजी में उसको मैनेजर कहते हैं यानी प्रबंधक। कामदार यानी सारे कार्यों की देखभाल करने वाला, आज का जैसे नगर पालिका का जैसे चेयरमैन हो, गांव का प्रधान होता है, वैसे हवेली में बिहारी जी महाराज का स्वागत किया जाता है। कुछ हिस्से में श्री जी के साथ जो सुंदर साथ आए होते हैं वो ठहरे होते हैं। सूरत से 8 सुंदर साथ आए होते हैं और आवासी बंदर को छोड़ दिया था तेज भाई बुढ़िया ने, रूपा और राधा भी थी जो थी बंदर से थी। बाईजूराज जी की सेवा में वो लग गई और साथ में और भी कुछ सुंदर साथ श्री जी के साथ थे। धारा ने आकर के श्री जी को खबर दी कि बिहारी जी महाराज अब आ रहे हैं। इस खबर को श्री जी सुनकर बहुत खुश हुए और बिहारी जी से शरण में लेने के लिए वचन दिया कि धारा भाई तुमने खुशखबरी दी है, तुम चिंता ना करो, बिहारी जी महाराज आएंगे तो मैं इनसे प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे और समाज में तुम्हें दाखिल किया जाएगा। ऐसे निदान बीतते बीतते कई दिन हो जाते हैं, सुंदर सत का मन सेवा में लगता नहीं। लेकिन श्री जी ने सबको एकत्रित किया, विशेषकर रूपा राधा और तेज भाई को, क्योंकि उनका मन सेवा में लगता नहीं। सेवा कब होती है? जब दिल में भाव होता है। तो श्री जी ने कहा कि देखो बिहारी जी को तुम्हें क्या मानना है, धाम का धनी, क्योंकि वो गादी पर बैठे। यदि तुम इनकी सेवा नहीं करोगे तो मेरा तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं। यानी खंडनी के शब्दों से दबाव देकर सेवा, इसलिए कल को मेरे ऊपर ये कोई न कहे कि श्री जी को जो मानते हैं वो बिहारी जी महाराज की सेवा नहीं करते। और बिहारी जी क्या देख रहे हैं कि कौन मेरी सेवा में काहली कर रहा है। रूपा और राधा के मन में जरा भी भाव नहीं, लेकिन सेवा तो करनी ही पड़ेगी, श्री जी से संबंध रखना है, श्री जी के चरणों को छोड़ नहीं सकते। और श्री जी का आदेश है कि सेवा करना है तो सेवा तो करेंगे, लेकिन अधूरे मन से। और सेवा वही होती है, मुक्ति सेवा तूने सुखो जो तू अंतर अडूटान, अनेक विध सेवा तरी तूने उपस्थित तत्काल। सेवा कह करके नहीं की जाती, सेवा उसको कहते हैं जो बिना कहे अपने मन में भाव आए। और ये कब होता है? जब स्वरूप की पहचान होती है तभी मन में सेवा के भाव आते हैं, अन्यथा इस संसार में किसको क्या पड़ी है कि जो सेवा जैसे कठिन कार्य करे। सेवा कार्य में हम सुंदर साथ अभी बहुत कोसों पीछे, सेवा देखनी है स्वर्ण मंदिर में कोई चला जाए, जो करोड़पति होगा वो भी अपने संगत वालों की किस तरह से सेवा करता है ये देखने को मिलता है। एक व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने सुना है, न जाने उसकी कितनी कार्य हैं, कितने नौकर हैं, सवेरे से जूते बारिश की एक डिबिया लेकर के जाता है, एक सरदार जी है, और स्वर्ण मंदिर में सवेरे से जूता पॉलिश करने लगते हैं, जब तक डिबिया पूरी खत्म नहीं हो जाती तब तक घर नहीं आते, और उस डिबिया को खत्म करने के बाद ही कुछ जलपान घर आकर करते।
ऐसी सेवा करने वाला हमारे समाज में 30 लाख की संख्या में एक भी व्यक्ति नहीं। और कहीं भी चले जाइए, दूसरे पंथों में सेवा की बहुत अधिक भावना है। ये विशेषकर पंजाब के इलाके में, चाहे कोई भी पंथ है, राधा स्वामी पंथ है या स्वर्ण मंदिर में जो सेवा होती है, सच्चा सौदा है, किसी भी पंथ में जाइए, इन इलाकों में सेवा की भावना है वो और प्रांतों में बहुत कम देखने को मिलती है। निरंकारी मत में भी सेवा चलती है, धन धन सतगुरु वाले मत में भी सेवा चलती है। मैंने निरंकारियों में भी जाकर देखा है कितनी विनम्रता से एक दूसरे की सेवा करते हैं। ये सेवा का व्रत मनुष्य को अहंकार से परे ले जाता है। हमारा धन का अहंकार, हमारी प्रतिष्ठा का अहंकार, हमारा लौकिक जो वर्चस्व है उसका अहंकार सेवा करने से टूट जाता है। लेकिन उनके अंदर भाव नहीं है, रूपा राधा के अंदर, वो चाहते हैं सेवा करना श्री जी की। श्री जी कहते हैं कि नहीं, मेरी सेवा नहीं करनी है, तुम्हें बिहारी जी महाराज की सेवा करनी है, क्योंकि इनको खुश करना है। अब बिहारी जी महाराज के चरणों में श्री जी सब कुछ सौंप देते हैं, जो कुछ मिला होता है, धन संपदा, वस्त्र आभूषण, सोना चांदी, और यहां तक कि बाई जी के वस्त्र और आभूषण तक सौंप देते हैं। और अपने लिए क्या रखते हैं, केवल 2 जोड़ी कपड़े, पहन पोतियां जुदे हुए 2 जोड़े कपड़े रखकर सब कुछ बिहारी जी के चरणों में श्री जी ने सौंप दिया। अब जब देखा कि महाराज श्री बहुत खुश हैं, एकांत में प्रार्थना करने लगे, धाम लगी, आपसे प्रार्थना है कि धाराभाई को आप अपनी शरण में रखिए, सुंदर साथ की जमात में शामिल कर लीजिए। यह सुनते ही बिहारी जी महाराज उग्र हो उठे। फिर भी श्री जी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि महाराज, आपने उसको घर से बाहर निकाल दिया है, समाज में उसको कहीं जगह नहीं दे रहा है, आखिर वो अपनी पत्नी के साथ कहाँ जाएगा, अपनी बहन के साथ कहाँ जाएगा, उनकी उनके परिवार के अन्य लोग हैं, मारे मारे फिर रहे, 1 वर्ष हो गया, क्या खाए, किस छत के नीचे रात को ठहरे। उनका गुनाह तो इतना ही था कि उन्होंने चर्चा सुना दी, क्योंकि हर गादीपति के देश में चर्चा सुनाना गुनाह होता है। इस देश में 70 लाख महात्मा हैं और हिंदू भी हो गए 70 करोड़। कल्पना कीजिए, एक महात्मा पर कितनी संख्या बैठती है। लेकिन धर्मांतरण क्यों हो रहा है, कहीं भी नहीं सुना जाता कि कोई क्रिश्चियन बना दूसरा, हिंदू ही क्रिश्चियन बन रहा है, हिंदू ही मुस्लिम बन रहा है, आखिर क्यों? क्योंकि ये संत महात्मा निठल्ले हो गए, न ज्ञान है, न भक्ति है, न विवेक है, न वैराग्य है। 70 लाख महात्माओं में यदि 7 लाख भी पढ़े होते तो शायद इस देश की इतनी दुर्दशा नहीं होती। यदि 70 लाख महात्मा आज ज्ञान से, भक्ति से, विवेक से, वैराग्य से, शील संतोष आदि गुणों से युक्त होते तो आदेश पतन के गर्त में नहीं जाता। लेकिन यह अवस्था क्यों हुई, क्योंकि इसके जड़ में कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा छिपी हुई है। घर छोड़ा हुआ व्यक्ति किसी मंदिर में पहुंच जाता है, वहां 24 घंटे पूजा पाठ हो रहा है, ज्ञान भक्ति तो मिलने नहीं, क्योंकि जब साक्षात भगवान परमात्मा मंदिर में विराजे हैं तो किसका ज्ञान, किसकी भक्ति, किसकी साधना। जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें टैक्स के रूप में गवर्नमेंट ले लेती है, फिर वही पैसा तुष्टिकरण में खर्च हो जाता है और घर छोड़ा हुआ व्यक्ति बेचारा ज्ञान से, भक्ति से, विवेक से रहित हो जाता है। मूर्ति पूजा का कितना विभूत स्वरूप है ये देखना है तो जगन्नाथपुरी चले जाइए। जो एक बार जगन्नाथपुरी चले जाएगा दोबारा जाने का नाम नहीं लेगा। जितना अरबों रुपये का चढ़ावा सारे देश के मंदिरों में होता है, यदि उससे शिक्षण संस्थाएं खुलती तो आज भारत का हर हिंदू वेद उपनिषद दर्शन शास्त्रों का ज्ञाता होता, कहीं अंधविश्वास नहीं होता, कहीं अडंबर नहीं होता। लेकिन मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है, ये चढ़ावा एक विकृति है। आप देखेंगे स्वर्ण मंदिर की दीवारों पर सोने का पत्थर चढ़ाया गया है, आखिर क्या होगा कल को यदि राज्य न करें, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया और उस पर किसी ने मिसाइल छोड़ दी तो क्या होगा, और वो का सोना किस कर्म में आएगा। जो धन मिला है वो धन केवल समाज में शिक्षा के लिए होना चाहिए। सवा मन सोना काशी विश्वनाथ मंदिर पर चढ़ा है,
साईं बाबा के मंदिर में न जाने कितना सोना चढ़ता है, उसी तरह से हर मंदिर में जो सोना चढ़ा जाता है, लोग ये सोचते हैं कि हम सोना चढ़ा देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। तिरुपति बालाजी के मंदिर में क्या होता है, होड़ लगी रहती है, कौन कितने लाख कितना करोड़ सोना चढ़ा देता है, ये धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर होने वाला एक अडंबर और अंधविश्वास है। जिस देश में लाखों करोड़ों लोगों को अक्षर पढ़ने नहीं आता, जिस देश में लाखों करोड़ लोगों के को भूखों पेट सोना पड़ता है, पैरों में चप्पल नहीं, आखिर परमात्मा नारायण क्या इनके दिल में नहीं बसता। चेतन परमात्मा को छोड़कर जड़ पत्थरों की पूजा और उनके ऊपर सोने का कलश चढ़ाना, सोने का चढ़ावा करना किस ग्रंथ में लिखा है? क्या वेद के मंत्र में लिखा है, किसी उपनिषद या गीता के किसी कथन में लिखा है? लेकिन यह सब कुछ अंधविश्वास है। और भोली भाली जनता जिसका प्रथम जिसका सर्वोपरि उपदेष्टा सन्यासी वर्ग ही अनपढ़ों की जमात में हो तो समाज को रास्ता कौन दिखाएगा? बिहारी जी महाराज का यही हाल है। बिहारी जी महाराज को धर्म का कुछ भी पता नहीं, अध्यात्म की प्राथमिक कक्षा में भी उन्होंने प्रवेश नहीं किया, गादी पर बैठे हैं और उनको एक ही बात अच्छी नहीं लगती कि कोई चर्चा सुनाए, जो चर्चा सुनाएगा वो उनका बैरी हो जाएगा। बिहारी जी महाराज गुस्से में कहते हैं कि महाराज तुम सब कुछ कहो लेकिन धाराभाई को समाज में लेने की बात न करो, मैं इस बारे में कुछ भी सुनने को राजी नहीं हूं। श्री जी चर्चा सुनाते हैं, अब खाली तो रहेंगे नहीं, पहले दिन से चर्चा शुरू हो जाती है। और जब श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनते हैं, पहले तो श्री जी ने सारी बात बताई होती है एकांत में बैठकर, बिहारी जी महाराज किस तरह से द्वीप बंदर में जागनी हुई, उसके पश्चात मस्कत बंदर में महावजी भाई सहित कई सुंदर सा जागृत हुए, आवासी बंदर में भैरव सेठ ने कैसे अपनी आत्मा को जागृत किया, सारा वृतांत सुनाया, चिंतामणि की जागनी ठठे नगर में और लालदास जी की जागनी सेठ लक्ष्मण लालदास यानी सेठ लक्ष्मण दास की जागनी कैसे हुई, जिंदा दास यानी सारा वर्णन सुनाया। बिहारी जी महाराज को बुरा तो अंदर से बहुत लग रहा है लेकिन ऊपर से मुस्कुराते हुए सब सुनते रहते हैं कि अच्छी बात है, तुमने बहुत किया महाराज। देख नूर चर्चा रोशनी भाई बिहारी जी को सक, ये तहकीक मसनंद मेरी लेगा, ये बात बड़ी बुजुर्ग। जब श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनते हैं, देख नूर चर्चा रोशनी भाई बिहारी जी को सक, उनको ये लग जाता है कि ये सब इतनी अलौकिक चर्चा मिहिराज सुना रहे हैं, सुंदर साथ का भाव तो इन पर हो जाएगा, फिर परिणाम क्या होगा, मेरी गद्दी चली जाएगी। ए तहकीक मसनंद मेरी लेगा, ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये तो मेरी गद्दी ले लेगा। याद रखिए, कोई भी महान पुरुष गद्दियों का चाहक नहीं होता, गद्दी किसको चाहिए, जिसको गृहस्थी बनना होता है, गादीपति यानी आधा गृहस्थी, उनको यही चिंता लगी रहती है कि हमारे इतने अनुयायी हमारे हाथ से निकल जाएंगे तो हमारी गादी को जो चढ़ावा आ रहा है वो चढ़ावा बंद हो जाएगा। लेकिन जिसको समाज में क्रांति लानी होती है वो कभी भी गद्दी की इच्छा नहीं करता। गौतम बुद्ध को गद्दी क्या चाहिए, शंकराचार्य को गद्दी नहीं चाहिए। हाँ, शंकराचार्य ने अपने चार शिष्यों को चार स्थान दिए, चार मठ दिए कि देखो तुम एक एक मठ में रहकर देश के चारों कोनों में वेदों का प्रचार करो, और उनको सम्मान मिल गया, चढ़ावा चढ़ने लगा। ये प्रतिष्ठा और पैसा दोनों अध्यात्म के शत्रु। सन्यास जीवन में यदि किसी को धन बहुत मिल जाता है, यदि किसी को प्रतिष्ठा मिल जाती है तो परिणाम यह है कि अध्यात्म का मार्ग उसका रुक जाता है। मार प्रतिष्ठा पहचानो जो दगा देत बीच धन। श्री जी कहते हैं यही स्वरूप दज्जाल को, ये दज्जाल है, ये अच्छी चीज नहीं है। लोकेशा प्रतिष्ठा की इच्छा, वित्तेषण धन की इच्छा यानी चढ़ावा हमारे स्थान पर चढ़ता रहे, और दारेषण शिष्यों के प्रति मोह कि हमारा शिष्य कहीं हमको छोड़कर अलग न हो। अध्यात्म कहता है कि आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान बांटते रहिए, उसे कुछ आशा ना कीजिए। बादल बरसते जाते हैं, पृथ्वी से कुछ आशा नहीं करते कि मैं पृथ्वी को पानी दे रहा हूं तो ये पृथ्वी मुझे कुछ देगी। हवा सबको जीवन देती है, वृक्ष
सबको मीठा फल देते हैं, क्या वृक्ष बदले में कुछ लेते हैं? नदियां अपना जल सबको देती हैं, नदी कुछ मांगती है? सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा शीतल चांदनी देता है, क्या ये प्राणी मात्र से कुछ मांगते हैं? देते हैं, लेते नहीं है। उसी तरह से सन्यासी का एक ही व्रत होना चाहिए, सत्यहस समाहर सहस्त्र संकेत, 100 हाथों से ज्ञान को अर्जित करें और 1000 हाथों से लुटाए। सन्यास इसलिए बना होता है, सन्यास मठाधीश बनने के लिए नहीं होता है। कोई भी मठाधीश सन्यास जीवन के वास्तविक कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकता यदि वो अर्थ में आसक्त है, शिष्यों के मुंह में आसक्त है और ज्ञान के प्रचार में बाधक बन जाए। तो सन्यास जीवन बनाया ही गया है। वानप्रस्थ सन्यास की स्थापना इसीलिए की गई है कि धर्म का उत्तरोत्तर प्रचार हो। और यदि आज हिंदू समाज में वानप्रस्थी हो जाए तो सारे समाज की व्यवस्था सुधर जाती, क्योंकि वानप्रस्थ क्या है, 50 वर्ष की आयु के बाद वानप्रस्थ धारण किया जाता है, प्रायः 60 साल की आयु के बाद रिटायरमेंट आजकल होना होता है। समाज को सुधारने के लिए सुशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, गृहस्थ जीवन का भी अनुभव कर लिया, जीवन का लंबा अनुभव है, वो अपने जीवन में त्याग तप और ज्ञान से समाज को एक नई दिशा दे सकता है। वानप्रस्थ आश्रम इसलिए बनाया गया है, इसलिए नहीं कि पोते पोतियों के मुंह में सड़ने के लिए। वानप्रस्थ का उद्देश्य होता है कि हमने अब तक समाज से ही तो ज्ञान लिया, यदि समाज में हमें ज् ञान नहीं मिला होता तो हम अज्ञानी होते। वनवासियों के पास चले जाइए, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, जीवन में बेचारे अनपढ़ ही रहते हैं, किसी तरह से कमर ढक लिया, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो गई। हम जो आज शिक्षित कहला रहे हैं, हमने सुखी जीवन व्यतीत किया है, कहां से पाया है? समाज से पाया। जिस समाज से हमें शिक्षा मिली, आने वाली पीढ़ी को हम भी ज्ञान दें, ये हमारे ऊपर ऋण होता है। ये वानप्रस्थ जीवन में सुधारा जाता है, और वानप्रस्थ में त्याग तप के जीवन को व्यतीत करते हुए ज्ञान की कमी को पूरी की जाती है, और संन्यास जीवन केवल मोक्ष के लिए होता है। अर्थ से कोई आसक्ति नहीं, समाज से कोई आसक्ति नहीं, असत्य का खंडन और सत्य का मंडन करना हर सन्यासी का कर्तव्य होता है, लेकिन बिना किसी का दिल दुखाए। शंकराचार्य ने झूठ के ऊपर प्रहार किया, गौतम बुद्ध ने किया, महावीर स्वामी ने किया, दयानंद ने किया, विवेकानंद ने किया, लेकिन आज दुर्भाग्य है कोई भी वक्ता जो टीवी पर आता है कभी भी झूठ के खिलाफ बोलने को राजी नहीं है, वो सोचता है कि कहीं हमारे श्रोता रूठ न जाए। यदि आप सबको खुश ही करेंगे तो सन्यास धारण क्यों किए हैं? सन्यासी का उद्देश्य यह होता है कि समाज के कल्याण के लिए हमेशा सत्यवाद को कहे और असत्य को प्रदर्शित करे। आज हिंदू समाज में जो इतना जन्मना पर्ण व्यवस्था है, मृतक का श्राद्ध है, नवग्रह पूजा है, जड़ पूजा है, दहेज प्रथा है, बलि प्रथा है, कितनी बुराइयां हैं, इसके खिलाफ कोई भी कहीं वक्ता टीवी में नहीं दिखाई देता जो इस पर प्रहार करता हो। सबका एक ही उद्देश्य हो गया है, श्रोताओं को अच्छे अच्छे भजन सुनाकर संगीत के स्वरों में खुश कर देना, ताकि अधिक से अधिक चढ़ावा चढ़े, और जिसकी सभा में ज्यादा भीड़ हो जाती है उसको उतना ही बड़ा मान लिया जाता है। एक एक हफ्ते का 10-10 लाख 12-12 लाख भेंट में दक्षिणा लेना, ये संन्यास का उद्देश्य नहीं है। गौतम बुद्ध ने कष्ट से, दयानंद ने कष्ट है, विवेकानंद ने कष्ट है, शंकराचार्य ने कष्ट है। संन्यास जीवन इसलिए बना होता है समाज को एक रास्ता दिखाए। बिहारी जी महाराज इसके उल्टे, बिहारी जी को यह शक लग रहा है कि कोई भी चर्चा न करे, पहले जब पानी उतरती है तभी रोक लगा देते हैं। धाराभाई ने चर्चा क्या सुनाई, धाराभाई को समाज से निष्कासित कर दिया। अब श्री जी का भी नंबर लगाएंगे कभी न कभी, क्योंकि बिहारी जी को यह बहुत बुरा लगता है कि कोई भी चर्चा यदि सुना देगा तो हर कोई जानकार हो जाएगा। जो अज्ञानी होता है वह अपने जीते जी उसके अंदर हीन भावना ऐसी घर कर जाती है कि किसी को ज्ञान की राह पर चलने नहीं देता। वो सोचता है कि जब सभी पढ़े लिखे लिख जाएंगे तो हमारे जाल में नहीं फंसेंगे। गांधीवाद का सबसे बड़ा दोषी है। महाभारत काल तो दूर, आज से 2000 साल पहले कहीं भी
इस देश में गादी की परंपरा नहीं थी। गादी पर कौन बैठाया जाता था? राजा। राजाओं की नकल कर करके धार्मिक क्षेत्र में भी सब कुछ हो गया। पूछा जाए विश्वामित्र, वशिष्ठ या भरद्वाज, कोई भी ऋषि का माथे पर तिलक लगाता था? उत्तर मिलेगा नहीं, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। तिलक, चंदन जो कुछ है, फूलों के हार कौन पहनते थे? ये राजा लोग पहनते थे। छत्र, आज कुंभ का मेला लगता है, हर पंथ का जो आचार्य होता है उनके साथ चांदी के सोने के छत्र चला करते हैं, शंकराचार्यों के साथ भी छत्र लगे रहते हैं। ये तो सब राजाओं की देखा देखी है। चांदी के सिंहासन पर बैठना सन्यासी का धर्म नहीं? सन्यासी के लिए तो कुसा का ही आसन सुशोभित करता है। भर्तृहरि लिखते हैं, गंगा तीरे हिमगिरि शिला बद्ध पद्मास नस्य, ब्रह्म ध्यान अभ्यास विधिना योग निद्राओं गदस्य। वो दिन कब आएंगे जब मैं गंगा के किनारे ध्यान में बैठा रहूंगा पद्मासन लगाकर, और हिरण अपने सिंगों से मेरी पीठ में खुजलाया किया करेंगे। ये सन्यास है, संसार की कोई तृष्णा नहीं। एक सन्यासी बैठा हुआ है, हिमालय ऊपर चमक रहा है, नीचे गंगा की धारा बह रही है, पत्थर पर बैठा है पद्मासन लगाकर, उसको सुध ही नहीं है कि मैं कहां बैठा हूं, और हिरण अपने सिंगों से पीठ में क्रोध रहे हैं, फिर भी उसका ध्यान नहीं टूट रहा है। वास्तविक सन्यासी तो ये है। दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, दोनों हाथ यही भिक्षा पात्र है, हाथों में जो मिल गया खा लिया। शांति पत्नी है, सत्य मित्र है, धैर्य पिता है, क्षमा माता है, हाथों का सिराना ही जिसका तकिया है, नदियों का बहता हुआ जल ही जिसका पेय है, वृक्षों का फल या भिक्षा में बिना मांगे जो भी आहार मिल जाए वही उसका भोज्य पदार्थ है, ऐसा योगी सम्राट होता है। परिव्राट, जैसे चक्रवर्ती सम्राट होता है वैसे ही वो है। चाह नहीं चिंता नहीं, मनवा भी परवा, जाको कछ नहीं चाहिए सोई संसा। और जब ये तप त्याग हट जाता है तो क्या होता है, राग द्वेष की अग्नि जलने लगती है, बड़े बड़े मठ बन जाते हैं, हर मठ में चढ़ावा चढ़ता है, किस मठ में कितना चढ़ावा चढ़ रहा है उसका मठाधीश दूसरे मठाधीश से ईर्ष्या करने लगता है। जैसे बड़े व्यापारी या छोटे छोटे राजा एक दूसरे राजा से, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से ईर्ष्या करने लगता है कि हमारे यहाँ चढ़ावा कम क्यों चढ़ रहा है, उसी तरह से मठों में राग द्वेष का माहौल पनप जाता है। ये क्यों, इसकी जड़ में कहाँ है? जड़ पूजा है। जब तक समाज में मूर्ति पूजा रहेगी, जड़ पूजा रहेगी, ज्ञान भक्ति का प्रकाश नहीं होगा, लोगों को ध्यान की तरफ उन्मुख नहीं किया जाएगा, तब तक धर्म के नाम पर आडंबर चलते रहेंगे। अयोध्या में चले जाइए, मथुरा में चले जाइए, जगन्नाथपुरी में, हरिद्वार में, काशी में, द्वारिकाधीश मंदिर में आप चले जाइए या द्वारिकापुरी में चले जाइए। एक तो भेंट द्वारिका है, यदि आपके पास पैसा नहीं तो आपको भगवान दर्शन ही नहीं देंगे। क्या भगवान पैसे वालों के लिए ही है, गरीबों के लिए नहीं? तो दीन बंधु क्यों कहलाता है? परमात्मा को कुछ पंडों ने कब्जा कर लिया, मूर्ति बना दी, पर्दा कर दिया और कहते हैं कि पैसा चढ़ाओ तो भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। ये किस ग्रंथ में लिखा है? ये धर्म नहीं है। परमात्मा कहाँ है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में निवास करता है, और यही विकृति रही तो परिणाम क्या हुआ? तभी इस्लाम के अनुयायी आए, थोड़े से कुछ सौ आए और पूरे देश पर 700 वर्षों तक राज करते रहे, क्योंकि हिंदुओं ने पत्थरों में भगवान को खोजा, सबके अंदर वास करने वाले नारायण से पीछा छुड़ा लिया। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक शिवलिंग था जिसको हीरे मोतियों से जड़ रखा था, 1000 पंडित उसकी आराधना करते थे, है शिवलिंग और उसकी पूजा हो रही है। किस ग्रंथ में लिखा है कि शिवलिंग की पूजा करो? किस ग्रंथ में लिखा है कि पेड़ पौधों की पूजा करो, नदियों को और पहाड़ों की पूजा करो? लेकिन बल्कि हमारे कदीम के पूजक आए, आप पानी पत्थर है पर रब दा बाप दादों का जय। जब समाज में शिक्षा नहीं रहती तो सांख्य दर्शन में लिखा है इति अंध परंपरा, ये अंध परंपराएं फैल जाती है। मैंने अभी कहा
जिस देश में 70 लाख महात्मा रहते हो उस देश में क्या होता है? मिट्टी और पुआल के गणेश बनते हैं, दुर्गा जी बनाई जाती हैं, लक्ष्मी और सरस्वती बनाई जाती हैं, और 1 हफ्ते 10 दिन पूजा करके उसको पानी में फेंक दिया जाता है। जल भी प्रदूषित और उसमें जो चंदा इकट्ठा किया जाता है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है। परमात्मा को एक खिलौना बना दिया गया, एक व्यवसाय बना दिया गया मठों और मंदिरों के द्वारा। ये मठ क्या होने चाहिए? ज्ञान के केंद्र होना चाहिए, जहां जाने पर किसी से विद्वान पुरुष से सत्संग मिले, जहां ज्ञान की धारा बहे, भक्ति की धारा बहे और समाज को मार्गदर्शन मिले, वो तो ठीक है। लेकिन जहां चढ़ावा चढ़ता है, पंडों की मारामारी होती है, इतना चढ़ाओ इतना चढ़ाओ। यदि आप जगन्नाथपुरी में किसी पंडे को मनमाफिक दक्षिणा नहीं दिए, यदि विंध्याचल में मनमाफिक दक्षिणा नहीं दिए, तो हो सकता है आपके लिए कई खतरा भी पैदा हो जाए। आखिर ये लूट मार धर्म के नाम पर क्यों हो रही है? इसलिए बेचारे उनका कोई दोष नहीं। और अधिकतर जगन्नाथपुरी के 90% पंडे मांस मछली का सेवन करते हैं, काशी के पंडे भी अधिकतर मांस मछली का सेवन करते हैं। क्यों? जो दूसरों को मुक्ति का टिकट बांटते हैं वो क्यों मांस मछली का सेवन करते हैं? कहने का तात्पर्य क्या है? जब धर्म का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो इच्छा फैलेगी। और ऐसे ही मैंने कहा, जैसे कोई राजा किसी सिंहासन पर बैठता था, उस सिंहासन की गरिमा की रक्षा के लिए लोग सम्मान करते थे, धर्म के अंदर भी इसी से गादी परंपरा शुरू हो गई। हर पंथ के अंदर हिंदू धर्म में गादी की परंपरा चल गई है, कुछ पंथों को छोड़कर। और इसका परिणाम क्या होता है? गादी पति का चुनाव कौन करेगा? कुछ ट्रस्टी। शंकराचार्य को चुनने की तो एक प्रक्रिया है, एक विद्वानों की समिति होती है, वो निर्णय करती है कि ये शंकराचार्य कौन बनेगा। अब तो ये चल गया है कि अब शंकराचार्य का चुनाव भी लठैतों के बल पर होने लगा है, उसके लिए भी कोर्ट में केस चलना शुरू हो गया है। कैसा संन्यास है जिसमें लठैत पाले जाए और दबंगई से गादी पर कब्जा किया जाए कि शंकराचार्य मैं बनूंगा, राजनीतिक नेताओं का संरक्षण सन्यासियों पर रहे। जो शंकराचार्य पद सारे देश को दिशा देने के लिए था वो नेताओं के अधीन हो जाए तो धर्म की नौका डूबेगी नहीं तो क्या होगी? इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में गादी परंपरा अध्यात्म का पतन करने वाली है। जैसे एक राजा का सिंहासन तो होता है, सन्यासी भी यदि उसी शान शौकत से निकले, ज्ञान से, भक्ति से, विवेक से, वैराग्य से, सील से, संतोष से रहित होकर शान शौकत दिखाए कि मेरे पास इतना चढ़ावा चढ़ता है, मेरे इतने शिष्य हैं और मैं इतने अच्छे वाहन में जाता हूं, तो धर्म क्या रहा? ये तो गृहस्थी पहले से इसका सेवन कर रहा है। बुद्ध के पैरों में किसी ने कभी उपाहन ये जूता नहीं देखा, खड़ाव नहीं देखा, बुद्ध नंगे पैर चलते रहे। महावीर स्वामी के पास क्या था? कुछ नहीं। शंकराचार्य के पास कौन सी संपदा थी? विवेकानंद के पास कौन सी संपदा थी? हाँ, इनके पास तप का बल था, ज्ञान की अखंड संपदा थी, भक्ति का बल था, संसार के कल्याण का नेतृत्व करने की मानसिकता थी। इसको कहते हैं सन्यासी। और जब ये निकले तो इन्होंने धर्म की डूबती हुई नौका को बचा लिया। लेकिन 5000 वर्षों से ऐसा कोई भी इतिहास में प्रमाण नहीं मिलता जिसमें किसी मठाधीश ने, किसी महंत ने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी त्याग किया हो। बिहारी जी महाराज इसी के एक जीवंत स्वरूप दिखाई देते हैं। जो भी चर्चा करेगा उसको बहिष्कृत कर देते हैं। और बहिष्कार करने से पहले एक घटना ध्यान में रखनी चाहिए। एक नाला बहता जा रहा था, झील ने कहा कि गंदे नाले तू मेरे में मत मिल, नहीं तो मेरा पानी गंदा हो जाएगा, धुतकार कर भगा दिया। नाला सोचता कि चलो झील ने शरण नहीं दिया तो क्या होगा, मैं समुद्र में तो मिलूंगा ही। समुद्र में मिलने के बाद वो नाला नाला नहीं रहा, वो सागर बन गया। गर्मी बढ़ी, झील का पानी सूख गया। इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा, हम सूत्र के नाम पर किसी को तिरस्कृत करते हैं, समाज के पिछड़े व्यक्ति के नाम पर किसी को तिरस्कृत करते हैं, तो इसका परिणाम कितना भयानक होगा। आज केरला में चले जाइए, हिंदू नाम मात्र के रह गए हैं, एक तिहाई हिंदू है। मेघालय, अरुणाचल,
में आज हिंदू अल्पमत में होते जा रहे हैं कि नागालैंड में तो नाम निशान भी देखना मुश्किल हो जाएगा। आखिर क्यों? हमने अपने भाइयों को दुत्कारा, किसी को शूद्र कहकर के, किसी को स्त्री कहकर के तिरस्कार किया, और इस तिरस्कार ने उनको दूसरे पंथ का अनुयायी बना दिया। अंधविश्वास की पराकाष्ठा कही जाएगी जब ब्राह्मण ब्राह्मण का छुआ न खाए। छत्री का छूना तो दूर, अभी प्रसंग आ रहा है किस तरह से समाज में अशिक्षा के कारण यही राग द्वेष की लकीरें खींचती हैं। कोई किसी का छुआ न खाए। धर्म ग्रंथों में तो लिखा है, आर्य अधिष्ठाता वसुद्रा संस्कर्ता रस्यो। ब्राह्मण छत्री और वैश्य का भोजन कौन बनाएगा? शूद्र, जो पढ़ा लिखा नहीं है, प्रशासन कर नहीं सकता, वेद शास्त्र पढ़ा नहीं सकता, कृषि और व्यापार को संभाल नहीं सकता, उसका कार्य सेवा कार्य है, और सेवा कार्य भी भोजन बनाने में ही आता है। जब ब्राह्मण जिसको पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो चूल्हा चक्की करे कि मेरे चौके में तुम नहीं घुसना, तुम्हारे चौके में मैं नहीं आऊंगा, चौके में कोई आ गया तो कह दिया कि ये तो सब कुछ अशुद्ध हो गया। सारा ध्यान किस में लगा रहता है? खाने पीने में। लकड़ी धो धो करके भोजन बनाओ, किसी की छाया ना पड़ने दो। आखिर ये किस लिए? पवित्रता किससे होती है? अत्वी गात्राणि शुद्धयन्ति, जल से शरीर शुद्ध होता है। मनः सत्येन शुद्धयति, सत्य का आचरण करने से मन शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, विद्या और तप से जीव निर्मल होता है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, और ज्ञान के प्रकाश से बुद्धि निर्मल होती है। निर्मलता के लिए ये साधन चाहिए, छूत छात का कोई बंधन नहीं। भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर का सांप खाया। वर्ण व्यवस्था तो जन्म से नहीं कर्म से होती है। जवाल ऋषि गणेरिया थे, जानसु सूत्र थे, विश्वामित्र छत्री थे, और यदि मातंग जैसा व्यक्ति, मातंग ऋषि जन्म से चंडाल थे, तप करके वो ब्राह्मण हो गए, विश्वामित्र तप करके ब्राह्मण हो सकते हैं। हर व्यक्ति को ब्राह्मण छत्री बनने का अधिकार है, जिसमें जो गुण आ जाता है वो उसी जाति का मान लिया जाता है। जैसे डॉक्टरी करने वाला डॉक्टर कहलाता है, इंजीनियरिंग करने वाला इंजीनियर कहलाता है, उसी तरह से जिस व्यक्ति में समाज का कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेता है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय की योग्यता प्राप्त कर लेता है वो क्षत्रिय है। जन्म से किसी की जाति निर्धारित नहीं होती। रावण ब्राह्मण का पुत्र था लेकिन बुरे कर्म किया तो उसको राक्षस कहा गया। इसी तरह से जिसने जैसा आचरण किया भारतीय संस्कृति ने उसको वैसा ही माना। आखिर मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास जी। रविदास जी जो जूता बनाया करते थे, मीराबाई ने तो ये नहीं देखा कि मेरे गुरु तो सूत्र हैं। मीराबाई ने रविदास की भक्ति देखी और उनके चरणों में प्रणाम कर दी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, जाति पाति का बंधन और आजकल राजनीति के कुचक्रों से सारा समाज त्राही त्राही कर रहा है। अभी आप सुन रहे हैं कि किस तरह से छोटी जाति का होने के मात्र से गादीपति बिहारी जी महाराज ने कैसी कृपा बरसाई है। अब कोई उनको छोटी जाति का भी नहीं चाहिए, गरीब भी नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी बात की चर्चा नहीं चाहिए। चाहे धाराभाई चर्चा सुनाए या श्रीजी चर्चा सुनाए, बिहारी जी को कभी भी अच्छा नहीं लगना है। हेर के बैठे मसलत करने। फिर कुछ दिन बीत गए, श्री जी ने सोचा कि हो सकता है बिहारी जी महाराज का गुस्सा ठंडा हो गया हो। अकेले में बिहारी जी से कहने लगे कि बिहारी जी महाराज, आप मेरी प्रार्थना है कि धाराभाई को शरण में ले लीजिए। बिहारी जी महाराज फिर उग्र हो गए, कहने लगे कि महाराज मैंने कह रखा है, मेरा एक ही निर्णय होता है, दोबारा नहीं। धाराभाई को निष्कासित कर दिया तो पुनः शरण में लेने का कोई भी अधिकार। ये डर क्यों बैठा हुआ है कि बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हैं, वो जिसको चाहेंगे वही परमधाम जाएगा, अन्यथा नहीं। सूरजी भाई को भी यही डर, और धाराभाई के मन में भी यही है कि आखिर बिहारी जी महाराज कब कृपा करेंगे। अब प्रश्न ये मन में होता है कि आखिर महाराज जिनके अंदर धाम धनी स्वयं विराजमान है, क्यों गादीवाद को इतना बढ़ावा दे रहे हैं? आगे ग्रंथन आएगा, धो रीडा मा मुखे तारी धूसरी, उसमें वो सारी व्यथा प्रकट करेंगे।
तबियत तो तुम जानत। जब बिहारी जी महाराज को उग्र होकर के बोलते हुए देखा सुंदर साध ने, तो श्री जी से संकेत किया कि धामधनी आप चुप हो जाइए, आप उनका स्वभाव जानते हैं, आप धारावाहिक का बचाव कर रहे हैं, कहीं आपको ही बारह जामे से ना निकाल दिया जाए, और भविष्य में ऐसा ही होगा। जो भी ज्ञान का प्रचार करेगा किसी भी गादीपति की दृष्टि में वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। संन्यास धारण किया जाता है आत्म कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए। खुद भक्ति में डूबना, ज्ञान में डूबना और समाज को ज्ञान भक्ति प्रेम के रास्ते पर ले जाना। मठाधीश का गादीपति का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कहता कि सबको हटा दिया जाए, जो विकृत व्यवस्था है उसको हटना चाहिए। धर्म सबके कल्याण के लिए होता है। मठ और मंदिर से यदि ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो मठ और मंदिर नहीं है, वो गृहस्थी का एक जाला है जहां केवल चढ़ावा ही चढ़ावे की महत्ता होती है। धर्म के अंदर चाहे वो सोने का कलश चढ़ाया जाता हो, चाहे सोने का मुकुट चढ़ाया जाता हो, चाहे दीवार पर सोने के पत्थर चढ़ाए जाते हो, इसका कोई भी महत्व नहीं है। ये अंधकार का मार्ग है। उस धन का उपयोग समाज को शिक्षा के कार्य में देना चाहिए। और ये कार्य सच पूछा जाए तो कृष्ण ने किया, इसलिए वो बाजी मार गए। पर उत्तर भारत में जाइए, हर 5 किलोमीटर की धरती पर उन्होंने चर्च बना रखे हैं, जगह जगह उन्होंने अपने केंद्र बना रखे हैं, घर घर जाकर फ्री में बाइबिल बांटते हैं। और इसलिए जिस नागालैंड में कोई प्रचारक नहीं पहुंचा था, पूरे नागालैंड की धरती को क्रिश्चियन मिशनरियों ने सेवा के नाम पर अपने स्कूल खोले, चिकित्सालय खोले और वहां के लोगों को अपने मत में शामिल कर लिया। और भारत के पंडित पुजारी महंत मठाधीश सब अपने अपने मठों में राग अलापते रहे, शिष्यों की नोकझोंक के लिए लड़ते रहे, तुमने हमारे शिष्य को कब्जा लिया, उन्होंने कहा कि तुमने हमारा चढ़ावा कम कर दिया। धर्म की वृद्धि कैसे हो, सत्य का प्रकाश कैसे हो, इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं रहा। अब क्या करना हमको। अब श्री जी कहते हैं कि जब देखते हैं कि ये तो मानने वाले नहीं, क्योंकि बिहारी जी की नजर में रूपा भी चढ़ गई थी, देखा कि रूपा का मन सेवा में नहीं लगता है, सोच लिया कि चलते चलते इसको भी बहिष्कृत कर देना है। श्री जी ने कहा कि देखो बिहारी जी महाराज, चलिए आप किसी को शरण में नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाहर निकलिए, हम दोनों मिलकर के धर्म का प्रचार करें। बिहारी जी कहते हैं कि देखो महाराज, ये मेरे से नहीं हो सकता, मेरी पत्नी है, उनकी माता श्री है, मेरे साथ इतना बड़ा कुनबा है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं। तुम्हारी तो एक केवल पत्नी है तेज कुमारी, उसको भी तुम्हारे साथ रहने का कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है, बेचारी इतने दिनों तक कैद खाने में रहकर आई है, फिर भी तुम जगह जगह जाकर प्रचार करना बंद नहीं कर रहे हो। क्या बताओ, सतगुरु देवचंद जी कहीं बाहर गए? जब सतगुरु महाराज बाहर नहीं गए, अकेले नौतनपुरी में चर्चा करते रहे, तो जो परम धाम की आत्मा होगी वो अपने आप आ जाएगी। आखिर अक्षरातीत तो मैं हूं, जब मैं चाहूंगा जागनी हो जाएगी। ये गर्मी धूप में जगह जगह गांव गांव भटकना, शहर शहर भटकना मेरे लिए संभव नहीं है। श्री जी ने कहा कि बिहारी जी महाराज, मैं जानता हूं कि आप चर्चा नहीं कर सकते, इसकी चिंता न कीजिए, आपको तो केवल सिंहासन पर बैठे रहना है, चर्चा मैं करूंगा, आपको केवल मत्था टेकने कोई आए तो आशीर्वाद देने के लिए आवे, आप इतना कीजिए, मैं वाणी के तारतम ज्ञान से उनको प्रबोधित करूंगा और आशीर्वाद देने आपके चरणों में भेजूंगा। लेकिन बिहारी जी साफ मना कर देते हैं। जो इत हलार देश में, बिहारी जी कहते हैं कि देखो महाराज, मुझे मालूम है कि तुम अब हलार देश यानी नौतनपुरी में दीवान नहीं बन सकते, तुम रह नहीं सकते, तो कहीं भी जाकर जैसे पहले वजीर पद संभाला था, वजीर पद संभालो, अपनी गृहस्थी बसाओ, क्योंकि गृहस्थ जीवन ही तो सबका आधार है। देवचंद जी भी गृहस्थ हैं और मैं भी गृहस्थ हूँ, आसानी से गादी पर मैं बैठा हूँ,
इच्छा मात्र से सबकी आत्मा जागृत हो जानी है, तुम ये सारे जगह जगह जाकर के चर्चा वाणी सुनाना बंद कर दो और वजीर का काम करके जो सेवा करो मेरी भी सेवा करो और अपने जीवन को भी खुशहाल बनाओ। तब श्री जी कया, श्री जी क्या कहते हैं, मोको श्री देवचंद जी दई नीत। बिहारी जी महाराज, अब तक मैं गुरुपुत्र के नाते आपका सम्मान करता रहा हूँ, आप जो कहते हो कि चर्चा सुनाना बंद कर दो ये संभव नहीं है। मुझको श्री देवचंद जी दयनित सतगुरु धन श्री देवचंद जी ने मुझे तात्म ज्ञान की अखंड संपदा दी हुई है। आप जो चाहोगे कि मैं चर्चा बंद कर दूं ये तो संभव ही नहीं है। मैं गुरुपुत्र के लिहाज से आपकी सारी बातें मैं सहन करता आ रहा हूं, लेकिन उनका आदेश है, उन्होंने जब कहा है कि मीराज धर्म का सारा कार्यभार मैं तुमको सौंपता हूं, आपको तो बाल भाई जी की कृपा से गद्दी मिली, मुझे तो गद्दी चाहिए ही नहीं, लेकिन यदि आप कहते हैं कि चर्चा न सुनाया जाए तो ये संभव नहीं है। तीन से ऐसे राजाओं को, जिन राजाओं की नौकरी करने के लिए आप मुझे कह रहे हैं कि तुम जाकर के उनका वजीर पद प्राप्त करो, जब मैं अपने तारतम ज्ञान से उनको जगाऊंगा तो मेरे चरणों में वो सेवा करेंगे, और आप उनका नौकर बनने के लिए कह रहे हैं कि मैं उनके जाकर उनकी अधीनता करूं, उनकी नौकरी करूं। अब तो हम माया को, मैं माया की राह पर नहीं चल सकता, मैं माया का काम नहीं करूंगा। रद किए 14 तबक, मेरे लिए 14 लोगों का राज्य भी मिट्टी के बराबर है, और आप कह रहे हैं कि इन झूठे झूठे राजाओं की सेवा करता रहूं, ये काम मेरे से अब नहीं हो पाएगा। शकुंडल सकुमार की, क्योंकि सदगुरु धनी देवचंद जी ने कह रखा है कि शकुंडल और सकुमार की आत्मा को जगाना है, मुझे सदगुरु महाराज के आदेश को सिरधार्य करना है, आपके आदेश को नहीं। ये जो इष्ट फिर के चले, संसार में कितने झूठे झूठे पंथ चल रहे हैं और उन पंथों का इतना प्रचार है, हमारे पास तो अखंड परम धाम का ज्ञान है, और इस ज्ञान को लेकर यदि हम फैलाव न करें तो हमारी कितनी बड़ी भूल है। अभी आप देखेंगे ये ब्रह्मा कुमारी मत कितने साल से चला, 60-70 साल से दुनिया के कितने देशों में फैल गया। हम प्राणनाथ जी को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर नहीं कर सके, लेकिन अभी दिल्ली में जो लोटस मंदिर बना है ये बाहुल्ला का मत है जो ईरान से चला है, लगभग 100 देशों में इनकी शाखाएं हैं। आप लोटस मंदिर चले जाइए, कोई कर्मकांड नहीं, एक से एक पढ़े लिखे लोग आते हैं, उनके यहाँ शांति से बैठे हैं, शांति से हर धर्म ग्रंथों, किसी भी धर्म ग्रंथ का आप अध्ययन करना चाहें उनके यहाँ उपलब्ध है। और अभी एक और मत है अहमदिया मत, मिर्जा गुलाम अहमद का चलाया हुआ, ये इनको अभी हुए केवल 125 वर्ष हो गए, 125 वर्ष में इन्होंने 72 से ज्यादा भाषाओं में कुरान की टीका कर दी है, और ये इस अहमदिया मत को मानने वाले दुनिया के अनेक देशों में फैल गए हैं, पाकिस्तान तक में अहमदिया मत के अनुयायी हैं। कितने हिंदू मिर्जा गुलाम अहमद को ही विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप मानकर इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं, और हम हिंदुओं तक को नहीं बना सकते, हमारे पास अखंड परम धाम का ज्ञान है, वेद कतेब के सारे भेद हमारे पास है, फिर भी हमारा प्रस्तुतिकरण इतने छोटे स्तर का है कि हम दूसरे देशों में तो क्या, अपने देश में भी डंका नहीं बजा पाए हैं। और तो जिस पद्मावतीपुरी धाम में अक्षरातीत आकर लीला किए उसके आसपास के इलाकों में भी प्राणनाथ जी को जानने वाले कम है, इसके लिए दोषी कौन है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान सोने के महंगे महंगे कलश चढ़ाने में खर्च हो रहा है, सारी ऊर्जा लड़ाई और झगड़ों में खर्च हो रही है, हमारे मंदिर में कितना चढ़ावा चढ़ा, हमारा सुंदर साथ वहां न जाने पाए, ये साहित्य बिक्री नहीं होने देना, दुनिया लगी हुई है अपने साहित्य को फैलाने में, संसार में कोई भी पंथ नहीं होगा जिसमें साहित्य के प्रचार पर रोक लगाई जाती हो। अभी मैंने आपको कहा कि 125 साल से चलने वाले पंथ ने 72 भाषाओं में कुरान की टीका कर ली है,
और क्रिश्चियनों ने संभवतः 300 से ज्यादा भाषाओं में बाइबल की टीका कर ली है। अब पूछा जाए हम कहां खड़े हैं, हमारा पैसा गलत दिशा में प्रयोग हो रहा है, ये गांधीवाद अंधकार का जनक है। जब तक गांधीवाद रहेगा तब तक कभी भी वाणी फैल नहीं सकती है, क्योंकि सुंदर साथ के हृदय में वाणी के लिए आस्था कम है, गांधी के लिए, स्थान विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए ज्यादा आस्था है। यदि हम परमधाम की चितवनी का मार्ग छोड़ चुके हैं और कहां फंसे हैं, माला का जप में, परिक्रमा में, पूजा और पाठ में। माला का जप तो दुनिया पहले से करती आई है, क्या तारतम वाणी इसी के लिए उतरी है? जो परमधाम आज तक किसी को प्राप्त नहीं था, किसी ने जिस परमधाम को देखा नहीं था, उस परमधाम और युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का ज्ञान तारतम वाणी के रूप में प्राप्त हुआ था। आज हम चाहते तो सारी दुनिया को अपने ध्यान की प्रक्रिया से नतमस्तक कर सकते थे, हमने वो नहीं किया। अपनी तारतम वाणी के द्वारा सारी दुनिया के हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबको एक झंडे के नीचे ला सकते थे, हमने वो नहीं किया। हमने मठों में पैसे लगाए, खूब खीर पूड़िया खाई, सोने के कल से लगाए, अच्छे अच्छे बागों में खर्च किया, जो कर ज्ञान और भक्ति के दृष्टि से करना चाहिए था वो किया नहीं, दुनिया वालों ने किया और वो कहां से कहां पहुंच गए। और हम तो अलग अलग मंदिरों के अलग अलग ग्रुप, अलग अलग आश्रमों के ग्रुप बनाकर लड़ने झगड़ने को ही सबसे बड़ा कौशल माने, इसीलिए हम बढ़ने की जगह हम घटते ही जा रहे हैं। हम तुम्हें बैठावे अटारी पर, श्री जी कहते हैं कि बिहारी जी महाराज आप चिंता न करो, हम आपको अटारी पर ऊंचे स्थान पर बैठा देंगे, चर्चा सबसे हम करें, और चर्चा सबसे मैं करूंगा, सबको प्रबोधित करूंगा, आपको आपके पास आशीर्वाद देने के लिए कल भेज दूंगा। मेरा निकलना क्यों होए, कहते हैं कि मैं निकल नहीं पाऊंगा, अब बात बनी नहीं, वहां से दोनों के भी हृदय में भेद बन गया, लेकिन किसी ने आउट नहीं किया, क्योंकि जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो सारी बात आम जनता के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक बात पर क्या होगा, समाज भड़क सकता है। जब किसी को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो उसे गंभीर रहना पड़ता है, यदि वो गंभीरता धारण नहीं करेगा, यदि महाराज सारी बात श्री जी बिहारी जी से हुई सारी बात सुंदर साथ के सामने कह देते, या बिहारी जी महाराज श्री जी से हुई बात अपने अनुयायियों के बीच में कहते, तो क्या होता, खटास बढ़ते, और इस खटास का परिणाम क्या होता है, समाज में विघटन और द्वेष। इसलिए दोनों के मन में एक पर्दा तो है, लेकिन दोनों ने बात को छिपाए रखी। अब बिहारी जी जा तो रहे हैं, लेकिन जाते जाते अपनी कृपा कर जाते हैं। उन्होंने खम्भालिया के राजा को कह दिया कि देखो मिहिराज इधर आने वाले हैं, क्योंकि श्री जी को खम्भालिये उतरना था और वहां आगे सूरत में पहुंचना था। खम्भालिये का राजा बैर रखता था श्री जी से, इसलिए कि जब श्री मिहिराज दीवानगिरी का पद संभाल रहे थे जामनगर के राज्य के, खम्भालिये का राजा वहां का दीवान स्वयं बनना चाहता था, और श्री जी की इतनी महिमा थी कि उनकी योग्यता से प्रभावित होकर जामनगर के राजा ने केवल श्री मिहिराज जी को ही वहां का दीवान नियुक्त किया था, वजीर। इसलिए खम्भालिये का राजा वैर भाव रखता था कि यदि मिहिराज मिल जाए तो उनकी मैं हत्या कर दूं, और ये बात बिहारी जी को अच्छी तरह से मालूम थी कि खम्भालिये का राजा मिहिराज का जानी दुश्मन है, और बिहारी जी महाराज ने सारी भेंट दक्षिणा भी ली, लेकिन उनको अपनी राह का कांटा समझ लिए कि यदि ये वाणी चर्चा ऐसे ही सुनाते ही रहेंगे मिहिराज तो मेरी गति पर ही अधिकार कर लेंगे, इसलिए इनको हटा दो ताकि वाणी का प्रकाश होने ना पाए। खम्भालिये के राजा ने चौकी बैठा दी कि मिहिराज उधर से उतरेंगे और मैं उनको गिरफ्तार कर लूंगा। जैसे ही अब उधर श्री जी समुद्र में चढ़ते हैं, समुद्र में चलने के लिए नाव पर चढ़ने को होते हैं, श्री जी को छींक आ जाती है। उस जमाने में इंजन तो हुआ नहीं करता था नौका में, नौका के ऊपर पाल बांध दिया जाता था, हवा के झोंकों से नाव आगे समुद्र में चला करती थी। जैसे ही श्री जी पांव रखने के लिए जा रहे थे,
छींक आ गई, असावधानी हुई और हवा के झोंकों से नाव समुद्र के अंदर चली गई थी। श्री जी का पहला ये स्वभाव होता था, जब सब सुंदर साथ खा लेते थे तो खाना, और जब सबकी व्यवस्था हो जाए तो अपने लिए व्यवस्था करते थे। अब सब सुंदर साथ तो नाव में चढ़ चुके थे, नौका अंदर जा चुकी थी, पुनः वापस आना संभव नहीं था क्योंकि हवा बहने लगी थी। और ये किसकी प्रेरणा से हुआ था? राज्य की प्रेरणा से। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें छींक आ जाए तो हम कोई काम न करें। छींक आना तो एक शरीर का स्वभाव है, और छींक आने से क्या होता है? बुद्धि का आवरण दूर हो जाता है, अंधविश्वास सुंदर साथ में पल बढ़ गया है कि छींक आ गई तो अशुभ हो गया। आपको जुकाम हो जाता है तो दिन में कितनी बार छींक आते हैं, तो क्या आप ऑफिस नहीं जाएंगे या कोई काम नहीं करेंगे? जब अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद जी नाम कह दिया, आपके दिल में राज्य बैठे हैं, राज्य से प्रार्थना कर ली तो हाँ, बचाना भी उनका काम है। इसलिए उस दिन राज्य ने यही किया, जिस महामती जी के धाम हृदय में बैठ कर लीला कर रहे हैं उनको भला क्या हो सकता था, कार्य कारण बस श्री जी वही रह जाते हैं। और ये जो सुंदर साथ जिसमें तेज गौरी जी थी, क्योंकि तेज गौरी जी भी बैठ गई होती हैं, सूरत से आए आठ जो सुंदर साथ आए थे वो भी नौका पर सवार हो गए थे, क्योंकि सबको सूरत पहुंचना था और खंभालिया उतरना था वहां से नलिये से। जैसे ही समुद्र के किनारे उतरे, राजा ने चौकी बैठा रखी थी, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछते हैं कि इसमें मिहराज कौन है? सबने कह दिया कि यहां तो कोई मिहराज नहीं है, समझ गए कि बिहारी जी कृपा कर गए हैं। कहा कि तेजकोरी कौन है? कहा कि इसमें तो तेजकोरी कोई है ही नहीं। धर्म कहता है कि चाहे सारी पृथ्वी का राज मिलना हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जहां किसी की प्राण रक्षा की बात है, झूठ बोलकर भी किसी की रक्षा करना धर्म होता है। जैसे गाय कोई जा रही हो, कसाई पीछा कर रहा है, कसाई पूछता है कि गाय किधर गई, आप अपनी सत्यनिष्ठा दर्शाने के लिए कह देते हैं कि उधर गई, तो आप सत्यवादी तो बन जाएंगे, लेकिन उस गाय की गर्दन पर जो तलवार चलेगी उसका पाप आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए धर्म कहता है किसी प्राणी की रक्षा के लिए, मनुष्य की रक्षा, झूठ बोलकर भी हो तो कर देना चाहिए, हाँ अपने स्वार्थ के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यमेव जयते न अनृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयानः। सत्य की विजय होती है असत्य की नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कबीर जी ने बहुत सीधी सादी भाषा में सब कुछ कर दिया। आप अपने हृदय में केवल सत्य को धारण कीजिए, सत्य को मानना, सत्य को मनवाना, झूठ को छोड़ना और झूठ को छुड़वाना, किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलना। जो व्यक्ति मन वाणी कर्म से सत्य का आचरण करता है उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता, सत्य ही सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। हम सोचते हैं कि हम झूठ बोले बिना हमारा व्यापार नहीं चलेगा, झूठ बोले बिना हम सर्विस नहीं कर सकते, झूठ बोले बिना समाज का कार्य नहीं हो सकता, ये भ्रम है। ग्राहक एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, आपकी सत्यवादिता से जब कोई ग्राहक प्रभावित हो जाएगा तो घूम फिर करके आपके पास ही होगा। बिना विश्वास के, बिना सत्य बोले तो समाज चल ही नहीं सकता। कल्पना कीजिए जिस समाज में हर व्यक्ति झूठ बोलता हो, परिवार का हर व्यक्ति यदि झूठा हो जाए, माँ बेटी में विश्वास नहीं रहे, पिता पुत्र में विश्वास नहीं रहे, गुरु शिष्य भी यदि झूठ बोलने लगे तो क्या सृष्टि रहेगी? इसलिए अथर्ववेद के 15वें सूक्त का पहला मंत्र कहता है सत्येन उत्तमित्ता भूमि। पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? सत्य से टिकी हुई है। जिस समाज का हर व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य मानता है, सत्य ही करता है, उस समाज का कभी भी पतन नहीं हो सकता। इसलिए तो हरिश्चंद्र की कृति आज तक कही जाती है, सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ से हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। क्योंकि जिन्होंने सत्य को अंगीकार कर लिया उन्होंने समझ लीजिए परमात्मा को अंगीकार कर लिया। अब राजा कहता है कि यदि आप लोग कह रहे हैं कि यह हमारी बहन है,
क्योंकि सुंदर साहब ने बहाना बना दिया कि ये जो महिला दिख रही है ये तेज कोरी नहीं है, ये तो हमारी बहन है, इसकी बेटी की शादी थी और हम मामा के रूप में भात देने आए थे और ये भात का क्रियाकांड पूरा करके हम अपनी बहन को अपने घर ले जा रहे हैं। खम्बानिया का राजा कहता है कि यदि आपकी बहन है और ये तेज कोरी नहीं है, मिहिराज की पत्नी नहीं है, तो क्या आप लोग इसके हाथ का बनाया हुआ कच्चा भोजन कर सकते हैं? कच्चा भोजन यानी जो पानी में पकाया हो। पक्का भोजन किसको कहते हैं? जो दूध या घी में पकाया हो। कितना प्रपंच है, दूध और घी में कोई शुद्ध भी पकाए तो शुद्ध और पानी में पकाता है तो अशुद्ध। आखिर जो अशुद्धि छूने पर लगती है तो पानी में पकाने पर लगती है तो दूध और घी में भी लगती है, क्योंकि कर्मकांडी लोगों ने सोचा कि दूध और घी में पकाएंगे तो स्वादिष्ट ज्यादा होगा, इसलिए उसको क्यों छोड़े, छूत छात का नियम बना दिया कि हाँ पानी में जो पका होगा वो अशुद्ध हो सकता है। खीर है, मालपूड़े हैं, पुड़िया हैं, मिठाई है, उसमें छूत छात नहीं लगती, वो कोई भी बनाकर दे खा लेंगे, लेकिन पानी में पका हुआ नहीं खाएंगे। धर्म क्या हो गया? केवल खाने पीने की चीज बन गया। जब विवेकानंद अमेरिका में गए थे तो यहाँ के कर्मकांडियों ने पहले ही तूफान मचा दिया। पहले तो कहा कि सन्यासी को समुद्र पार करने का अधिकार नहीं है। इनसे पूछा जाए कर्मकांडियों से तो राम ने ही क्यों पार किया? राम को भी नहीं पार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने क्यों पार किया? अगस्त ऋषि समुद्रों में जा जा करके धर्म का प्रचार किए, नहीं करना चाहिए था। जितना अंधविश्वास इन पुराणों से फैला है और इन पुराणों ने धर्म के नाम पर विकृति फैला दी। अब उन्होंने क्या, जिसके पास तारतम ज्ञान को का प्रकाश हो उसके लिए कच्चा भोजन और पक्का भोजन में क्या रखा है? सबने बाईजुरा जी के हाथ से बना हुआ भोजन किया, धाम धनी का नाम लेकर चावल दाल सब्जी बनाया और सबने खा लिया, क्योंकि उनको ये लगा था, सबने कह दिया था कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे बीच में कोई क्षत्रिय है ही नहीं, और मिहिराज क्या थे? क्षत्रिय, तेजकोरी थी क्षत्रिय। उन्होंने सोचा कि यदि ये तेजकोरी नहीं है तो इनके छुआ ये ब्राह्मण लोग नहीं खा सकते। खमले के राजा ने उनको विदा कर दिया। अब श्री जी वहां से चलते हैं, नलिये से कच्छ के रण में उतरते हैं, चीरक भेष करके। चीरक भेष किसको कहते हैं? विरक्त का भेष धारण करके अंतर से आवाज आती है कि मिहिराज जी अब इस भेषभूषा को बदल लीजिए। धोराजी पहुंचते हैं, वहां पर प्रेम जी थावर सुनी, प्रेम जी और थावर जी आते हैं गाड़ी ले दौड़े ये, और वो गाड़ी पर आते हैं। उधर से ये सुंदर साथ भी पहुंच जाते हैं। अब गाड़ी में सब सुंदर साथ सवार हो जाते हैं, क्योंकि श्री जी पैदल मार्ग से वहां पहुंच चुके होते हैं। गाड़ी पर श्री जी सहित सब सुंदर साथ जब बैठ जाते हैं, गाड़ी चलने लगती है, समुद्र का किनारा होता है। गाड़ी के पहिए जमीन में धस जाते हैं रेत में, लेकिन गाड़ीवान राम नहीं दिखाता, वो उस पर मारता है, चुभोता है जो गाड़ी को चलाने के लिए, जो बैलों को कंट्रोल करने के लिए होता है, उसको सुई चुभोता है। गाड़ी के बाहर से उनका कंधा सूज गया है, उसमें से घाव भी हो गए। इस व्यथा को देखकर एक किरंदन उतरता है, धोरीडा मां मुके तारी धूसरी, ऐ बैल तू अपने जुए को मत छोड़। इसमें अलंकारिक रूप से कहा गया है कि बैल कौन है? मिहिराज का जी। मिहिराज जी अपने जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे जी, क्या तू इस बैल से भी छोटा हो गया है? देख इस बैल की हालत क्या है। तू तो नाको रे न थाड़ो, मुक्ति न सके बुलाए रे, तू नाक से नथा हुआ है, तेरी नाक नथी हुई है, बोल सकता नहीं। नाक क्या है? बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हैं, इससे तू विरोध कर नहीं सकता, और एक तो गुरुपुत्र भी हैं, गुरुपुत्र का विरोध करोगे तो समाज कहेगा कि देखो कैसे हैं मिहिराज जो अपने गुरुपुत्र का सम्मान नहीं करते।
गुरुपुत्र और गादी की मर्यादा से तू बताया, ये है नाक का नथा होना। मुक्ति न बोलाए रे, तू बोल नहीं सकता। यदि तुम सबके बीच में कह देते कि बिहारी जी महाराज आप अत्याचार कर रहे हो, तो उनके अनुयायी कहते कि देखो गादी पति महाराज के खिलाफ बोल रहे हैं, आज सारे समाज में तो यही है। आखिर अध्यात्म के अंदर व्यक्तिवाद कहां से आ जाता है? यदि 13 वर्ष के अष्टावक्र भरी सभा के बीच में शास्त्रार्थ जीत सकते हैं, छोटे से बालक सुखदेव के आने पर सारे ऋषि मुनियों को खड़ा होना पड़ सकता है, और इसी तरह से कोई भी ज्ञानी छोटी सी बालिका, छोटी सी उम्र की गार्गी भरी सभा के बीच में, जबकि वह ब्रह्मचारिणी थी, जनक की राजसभा में या ज्वलक को मौन रहने के लिए विवश कर सकती है? उसमें तो कोई गादी परंपरा नहीं थी। जनक या ज्वलक ने तो नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा हूं, तुम तो एक बालिका हो, मेरे साथ साथ शांत करने की कैसी कैसा दुस्साहस कर रही हो। आजकल तो ये कहा जाता है कि मैं इस स्थान का मालिक हूं, मेरे से कोई व्यक्ति बात नहीं कर सकता। ये कितना अंधविश्वास है। जो भी भागवत के कथाकार होते हैं वो व्यास आश्रम पर बैठे होते हैं, उनका नियम बना होता है कि कोई भी उनसे प्रश्न नहीं कर सकता। ये कैसा अध्यात्म? कहने का तात्पर्य क्या है? बिहारी जी महाराज ज्ञान फैलने नहीं देना चाहते, और बिहारी और श्री जी को ज्ञान फैलाता हुआ देखकर अपनी गादी की राह में रोड़ा मांगकर खम्बालिया के राजा से मरवाने का भी षड्यंत्र रचते हैं। श्री जी किरंतर के माध्यम से वही भाव व्यक्त कर रहे हैं कि देखो मेरे जीव, जिस तरह से बैल गाड़ी के पहिए के धस जाने पर भी बाल्टी बिस्मी रे गाड़ी भार फड़ी, गाड़ी में सब लोग इतने बैठे हैं, इतने सुंदर साथ, उनके भार से पहिया धस जा रहा है, बालू के कारण पहिया चल नहीं रहा है, और वो भी गाड़ीवान उस पर सुई चुभ हो रहा है, लेकिन बैल ये नहीं देखता कि मेरे कांधे में कितने घाव हो गए हैं, उसको तो मंजिल पर पहुंचना ही है। महाराज तेरा जीव क्या इस बैल से निकृष्ट हो गया है? सतगुरु महाराज ने सुंदर साथ की जागनी का बोझ तुम्हारे ऊपर दिया है, चाहे बिहारी जी जैसे 100 बिहारी जी हो जाए, कितने भी सुए मारे, तुझे तो अब इन सुंदर साथ को मूल मिलावे में पहुंचकर ही दम लेना होगा। तू ये ना देख कि तेरे कांधे में कितने घाव हो गए हैं, तू ये ना देख कि कितने सुए चुभे जा रहे हैं, तू आगे बढ़ता रह और सब सुंदर साथ को मूल मिलावे में पहुंचा कर ही तुझे शांति मिलेगी, क्योंकि सतगुरु महाराज ने जो आदेश दिया है वही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। और धाम धनी ने हफ्से में कहा था कि इंद्रावती सारों के सुख काटे तो जाहिर हुई महामत, तेरे तन से मैं परम धाम की वाणी उतारूंगा, तेरे तन से सबकी आत्मा जागृत होनी है, इसलिए जो गाड़ीवान का कर्तव्य है धर्म के पथ पर, जैसे गाड़ीवान बैल को मजबूर कर रहा है, उसी तरह से धाम धनी का आदेश तुम्हें मजबूर कर रहा है कि सब सुंदर साथ को परम धाम की तरफ ले चल, और उसमें बिहारी जी महाराज जिस तरह से सुए चुभ रहे हैं उसकी पीड़ा को तो जरा भी ध्यान में न रख। यही प्रकरण बहुत ही मार्मिक है, इसका एक एक शब्द हमें उस बात की तरफ ले चल रहा है कि हमें धर्म के लिए कितना संकल्पित होने की जरूरत है, धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम समझें। धर्म आडंबरों की वस्तु नहीं है, धर्म अज्ञानता की वस्तु नहीं है, धर्म में व्यक्तिवाद स्थानवाद का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आज 30 लाख का सुंदर साथ यदि इस सत्य को समझ ले कि हम ज्ञान की दिशा में कैसे आगे बढ़े, मैंने कई बार कहा है 30 लाख सुंदर साथ यदि धर्म के प्रचार के लिए प्रतिदिन 1 रुपया निकालें, एक दिन में कितना होगा 30 लाख, और 100 दिन में कितना होगा इसका हिसाब लगा लीजिए, 365 दिन में 1 साल में कितने करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, और 10 साल में आप समझ सकते हैं कितने ज्ञानपीठ बन जाएंगे,
सबने खर्च कितना किया? केवल 1 रुपया। सबके खाते से केवल 365 रुपया गया। जैसे 30 लाख यदि एक दिन में होता है तो 10 दिन में क्या होगा? 3 करोड़। और 100 दिनों में 30 करोड़। इसके अनुसार आप हिसाब लगा लीजिए, अरबों रुपया 10 सालों में इकट्ठा हो जाएगा और उससे कितने गुरुकुल बन जाएंगे, 10 सालों में जो विद्वान तैयार होंगे वो आने वाले समाज में कितनी क्रांति लगा देंगे। लेकिन एक एक सुंदर साल एक साल में लाख लाख रुपया भी देता है। सही उपयोग ना होने से शक्ति किधर बट जा रही है? कोई घास का मैदान हो, उस घासों को काटकर रस्सी बना दी जाए तो मतवाले हाथियों को बांधा जा सकता है, लेकिन घास में यदि एकता नहीं आती है तो बकरी आती है और सारे घास को चर जाती है। जब तक समाज की शक्ति संगठित एक सही दिशा में नहीं लगेगी तब तक समाज का विकास कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए समाज के उद्धार के लिए यह आवश्यक है कि सब रूढ़िवादिता से ऊपर उठें, ज्ञान की तरफ, प्रेम और भक्ति की तरफ बढ़ें। इसी में आत्मा की जागनी है, जागने का सच्चा सुख है। और जब तक हम इस राह पर नहीं चलेंगे तब तक तो वही धर्म के नाम पर होने वाले अंधविश्वास हमें खोखला करते रहेंगे और उन्हीं में पढ़कर सुंदर साथ लड़ता भिड़ता रहेगा। आज आवश्यकता है, समय की पुकार ये है, सुंदर साथ ज्ञान और प्रेम के पावन मार्ग पर चले, वो गांधीवाद से, व्यक्तिवाद से, कर्मकांडों की राह से अपने को अलग करे, अन्यथा उसकी आत्मा जागने के प्रकाश से अधूरी रह जाएगी। अब चुपाई दे तहां से सुहाली उतरे, तहां से सुहाली उतरे, फिर आए सूरत, फिर आए सूरत, गए सैयदपुर भगवान के, गए सैयदपुर भगवान के, मौन दास के रहे तीत, मोहन दास के रहे